अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम रियल फोकस के साथ हाजिर है। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत जो है इस वक्त पूरी तरीके से फंसी हुई है और बहुत ही ऐसे फैसले करने जा रही है जो ख़ुद उसके लिए ख़ुदकुशी बन जाए। बड़े फैसले हैं, आप उधर देख लें वकला क्या हो रहा है, जजेस क्या कर रहे हैं, उसके बाद आप मीडिया के साथ जो क्या सूरत हाल हो रही है और क्या होने वाला है, अभी मीडिया क्या करने जा रही है, अपोजिशन क्या करने जा रही है, पीडीएम फिर तैयार हो गई है, हुकूमत के अपने जो लोग हैं इनके पीटीआई के, वो इनको मज़ीद और लोग छोड़ना चाह रहे हैं। मेरे पास नाम है, मुझसे बात हुई है, लेकिन इसलिए फौरी तौर पर ऐलान नहीं कर रहे हैं कि इमरान खान जिस तरह इंतकामी कार्रवाई करते हैं, जिस तरह उन्होंने अपने मोहसिनों के साथ किया, अपने दोस्तों के साथ किया, अपने इस मीडिया के साथ किया जिन्होंने उसको वज़ीर आज़म बनाया, अपने उन लोगों के साथ जिनके बड़े एहसानात हैं, जिन्होंने इनको पार्टी में लीडर चुना, चेयरमैन बनाया और उसका साथ दिया उस मौके पे जब कोई साथ नहीं था, उनके साथ किया। तो पीटीआई के वो लोग जो हैं वो अपना नाम अभी जाहिर किए बगैर तैयार बैठे हैं कि इमरान खान से जल्द छुटकारा हो। तो ये नाम मैं जाहिर इसलिए नहीं करना चाहता कि उनके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इमरान खान बुरी तरह घिर चुके हैं। एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है जो मैंने बताया कि ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी आवाज़ उठने लगी है कि कब तक इस नालायक नाहल हुकूमत को पाला जाएगा जिसकी बुनियाद पर सारा गंद इस्टेब्लिशमेंट पर आ रहा है। अब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी हालात चेंज हो गए, कुछ बड़ों का फैसला है कि जी अब नहीं, अब यह है कि एक सियासी मुफाहमत की ज़रूरत है, मुल्क में इंतकामी कार्रवाई नहीं, हालात बेहतर किया जाए, मुल्क के लिए मसला है और इमरान खान साहब की जो नाहलियत है उसको अब सपोर्ट करने को तैयार नहीं है, किस तरह से इस मसले को ख़त्म किया जाए। तो ये इमरान खान साहब तक खबर पहुंचती है, जाहिर उन तक भी पहुँच रही है और उनको ये नज़र आ रहा है कि अब पानी उनके पाँव के नीचे से निकल रहा है और इस तरीके से वो परेशान भी हैं और बड़े बड़े ऐसे फैसले करना चाहते हैं जो एकदम अचानक फैसले हों और जिसकी बुनियाद पे इस मुल्क में इमरजेंसी नाफिद हो जाए। मैं पहले बता चुका हूँ, मार्शल ला आ जाए, या वो फैसले ख़ुदकुशी के मुतरादिफ हों। दूसरी तरफ अभी जो एक फैसला ये कर रहे हैं हुकूमत, वो मैं बताता हूँ कि आपको याद होगा कि मरियम नवाज़ साहिबा का केस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुन रहे हैं और कैप्टन सफदर का, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब का नहीं सुना जा रहा है। और मरियम नवाज़ साहिबा का केस स्टार्ट कर दिया गया है और मरियम नवाज़ साहिबा के केस स्टार्ट हुआ है तो उसको चलाना है, हुकूमत चाहती है इसको चलाएं और जल्द अज जल्द मरियम नवाज़ को डिक्लेयर किया जाए, सज़ा उनकी जो है इस्टेब्लिश की जाए, जो सज़ा दी गई है बल्कि सज़ा बढ़ा दी जाए क्योंकि यहाँ तो डिक्टेशन होती है, तो सज़ा इनको इनकी इस्टेब्लिश की जाए और इस सूरत हाल में उनकी ज़मानत कैंसिल हो ताकि वो जेल में जाए। लेकिन जैसे ही ये हुकूमत को ये ख़बर मिली है और उन लोगों को ये ख़बर मिली है जो हुकूमत के साथ मिलकर मरियम नवाज़ साहिबा की केसेस को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं और मरियम नवाज़ साहिबा को जेल के अंदर वापस कालकोठी में देखना चाहते हैं, उनके पसीने छूट गए, उनके लिए परेशानी हो गई है। और वो क्या है, वो ख़ुद मरियम नवाज़ साहिबा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मीडिया में हम तो बहुत कुछ कह चुके हैं और बहुत सी अहम बातें बता भी चुके हैं, लेकिन जब मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने केस में इस्लामाबाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मेरे केस को मेरिट पे चलाया जाए, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा केस ना चलाएं, उन्होंने कहा मेरे केस को ज़रूर मेरिट पे चलाएं, और उनको ये पता है कि मेरिट पे भी उनका केस ऐसा है कि वो बरी हो जाएंगी क्योंकि उनको ज़मानत भी उन्हीं पॉइंट्स पे मिली है और उन्हीं पॉइंट्स पे उनकी बरियत होनी है, मां सवाई एक पॉइंट्स के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसको मैं अभी बताता हूँ। तो जो पॉइंट्स है जिस पे उनको ज़मानत मिली है उनकी बरियत भी बनती है, उनको पता है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि इस केस को मेरिट पर चलाने से पहले उन मुहर्रिकात को ज़रूर देखे इस्लामाबाद हाईकोर्ट जिसकी बुनियाद पर यह केसेस बनी और ये सज़ा दी गई, और उसके लिए वो एक एप्लीकेशन दे रही हैं और उन्होंने कहा है कि इस एप्लीकेशन के साथ वो तमाम चीज़ें आवाम के सामने लाएंगी जिससे बड़े बड़े एक्सपोज हो जाएंगे। तो हम उसके हवाले से बता चुके हैं, पेशिंगोई कर चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें वो ला चुकी हैं, और ये बात हुकूमत को और उन लोगों को पता है जो मरियम नवाज़ साहिबा को हुकूमत के मुशीर, हुकूमत के लोग, हुकूमत के वज़ीर और हुकूमत के दूसरे साथी
जो मरियम नवाज साहिबा को जेल में और कालकोठी में देखना चाहते हैं, उस दिन से उनके लिए परेशानी हो गई। और बहुत अंदर की बात बता रहे हैं कि इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया है कि किसी तरीके से मरियम नवाज साहिबा का ये केस ना चलने दिया जाए, और दूसरा ये कि मरियम नवाज साहिबा को किसी सूरत पाकिस्तान से बाहर भेज दिया जाए। कोई ऐसा तरीका अपनाया जाए, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो, कोई ऐसी प्लानिंग हो, कोई ऐसा सिलसिला बनाया जाए कि मरियम नवाज साहिबा इस मुल्क से चली जाए और उनका केस उनकी गैर मौजूदगी में जो है वो दब जाए, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब का केस दबा हुआ है, ताकि हुकूमत ये कहती रहे या वो लोग ये कहते रहे कि देखे जनाब इनको तो सज़ा हुई हुई है और ये मुल्क से फरार है। एक और खदशा हो गया, ये खबर जब से आई है, पहले मीडिया में हम दे रहे थे, लेकिन चंद अहम जराए से जब हुकूमत को पता लिया है कि मियां नवाज शरीफ साहब खुद पाकिस्तान आना चाहते हैं, और हमने कहा था कि एक इशारे का इंतजार है, तो शायद वो इशारा उनको हो गया है, तभी वहाँ डेवलपमेंट हो गई है बड़ी तेजी से लंदन में। और आप देख रहे होंगे कि नवाज शरीफ के करीबी जराए भी अभी इशारा दे रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अब पाकिस्तान आना चाहते हैं, तो हुकूमत तो परेशान है, इमरान खान साहब और वो लोग तो परेशान हैं कि यहाँ मरियम उनसे नहीं संभाली जा रही है, अगर नवाज शरीफ आ गए तो क्या होगा। तो ये भी एक राय दी गई है कि नवाज शरीफ को किसी भी सूरत में पाकिस्तान आने से रोका जाए, और उसके लिए सबसे बड़ा हथियार वो डॉक्यूमेंट्स है, उनका पासपोर्ट का ट्रेवलिंग डॉक्यूमेंट्स है जिसको रिन्यूअल कराना है। हालांकि मियां नवाज शरीफ का ये राइट है और हक है एज ए पाकिस्तानी कि वो जब भी रिन्यूअल के लिए अप्लाई करें उनका पासपोर्ट हो जाए, और अगर किसी तरीके से ये लॉ पे वो कवर नहीं कर सके तो फिर किसी तरीके से भी नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर रोका जाए। ये बड़ी अहम चंद दिन पहले अहम गुफ्तगु हुई है, और ये डेवलपमेंट है जो मैं आपके सामने, किसी भी सूरत में नवाज शरीफ पाकिस्तान ना आए और मरियम नवाज साहिबा की कोई तरीका ऐसा ढूंढा जाए कि उनका ये केस आगे ना चले बल्कि ये मुल्क से चली जाए। अब वो क्या तरीक़ेकार होगा, हुकूमत सोच रही है, देखिए क्या करती है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने तो ऐलान कर दिया कि कुछ भी मैं इनसे फेवर नहीं लूंगी और किसी भी सूरत में मैं पाकिस्तान छोड़ के नहीं जाऊंगी, ये उनकी स्टेटमेंट है। लेकिन हुकूमत ने क्या फैसला किया है, क्या साजिश है, क्या हिकमत अमली है, वो आपके सामने आएगी, जाहिर है हुकूमत है। लेकिन यहाँ एक और डेवलपमेंट है जो मैं बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि इदारों को अब यह एहसास होने लगा है, लोगों को अब यह पता चलने लगा है, जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट में अहम तरीन लोगों को यह अंदाज़ा होने लगा है कि ये नाअहल हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट के लिए बोझ बन गई है बहुत, और इस सिलसिले में अवाम और अवाम की बहुत बड़ी तादाद अब इस्टेब्लिशमेंट से नाला है, तो इस्टेब्लिशमेंट इस गंद को, इस बोझ को उतारना चाहती है, उसके लिए वो रास्ता तलाश कर रही है, और अपने हाथ उसने आहिस्ता आहिस्ता हटाने शुरू कर दिए हैं। ये इल्म अब इदारों को होने लगा है, और जब इदारों को ये इल्म हो जाएगा, यकीन हो जाएगा कि इस्टेब्लिशमेंट अब इमरान खान साहब के पीछे नहीं है, तो फिर बहुत सारे फैसले जो रुके हुए हैं वो अपनी असल हकीकत के साथ, हकाइक के साथ, मेरिट के साथ सामने आ जाएंगे, जिनमें से एक फॉरेन फंडिंग केस भी है, याद रखिएगा। इमरान खान साहब, मैंने बताया कि वो क्यों डरते हैं इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, क्यों इसको आग लगाना चाह रहे हैं, क्यों इसके खिलाफ पिटीशन लेके गए हैं अदालत में, सिर्फ इलेक्शन के लिए नहीं, उनको पता है कि अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये एहसास हो गया कि पीछे अब हमारे कोई नहीं है, तो और इस्टेब्लिशमेंट जो एक बहुत बड़ी ताकत है अब उनके साथ नहीं खड़ी है, या मेन इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, चंद लोग अगर हैं भी तो इदारे फिर किसी के दबाव में नहीं आते हैं, फिर वो अपना फैसला करते हैं, अगर किसी दबाव में कोई इदारा काम कर रहा है तो वो भी आज़ाद हो जाएगा। तो गोया ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी एक साजिश भी हो रही है, बहुत बड़ी हिकमत अमली भी हो रही है, और ऐसी सूरत हाल में ये कुछ अमल हुकूमत ऐसे करने जा रही है जो खुद अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारेगी और उसका नतीजा आएगा। और लेकिन ये भी मैंने आपको बता दिया कि हुकूमत अपने हुकूमती इख्तियारात, वज़ीर आज़म अपने वज़ीर आज़म के इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए कुछ ऐसे फैसले ना कर जाएँ जो सुनने में आ रहा है, जो कोई कहता ना, कोई चुड़िया बोल रही है, कोई पता नहीं मैना बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कहाँ से आ रही है, तो कहीं से वेव आती है, कहीं से कुछ और आता है,
तो कुछ वेव्स ऐसी आ रही हैं जो बता रहे हैं कि वजीर आजम कुछ ऐसे फैसला करना चाहते हैं जिसकी बुनियाद पे वो बड़ा इमैच्योर फैसला होगा और जिसका नतीजा ये होगा कि मुल्क में एमरजेंसी भी लग सकती है। और इस सिलसिले में वो तमाम लोग तैयार हैं जो इन चीज़ों को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो ये थी चंद बातें। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।